अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डीकॉम पार्ट वन की जो मैथ स्टेट की बुक है खादिम हुसैन साहब की, इसका जो चैप्टर नंबर 9 है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू, यानी मरकजी मिलान के पैमाने, पेज नंबर है 305। इस बुक में पेज नंबर 305 है और एक्सरसाइज नंबर 19 आज हम करने जा रहे हैं। जी, पेज नंबर है 305 और एक्सरसाइज नंबर है 19। जी, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। हमने सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है, और उसके बाद एंड हार्मोनिक मीन, और नंबर सेकंड हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो एच से मुराद हार्मोनिक, मीन से मुराद, एम से मुराद मीन। तो इसका फार्मूला समेशन एफ डिवाइड बाई समेशन एफ डिवाइड बाई एक्स, ये इसका फार्मूला है। तो पिछला क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन नंबर 17 हमने किया था, जी मैं डियर स्टूडेंट आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 17 हमने किया था वो 2009 का जो एनुअल पेपर था उसमें ये सवाल आया था, और उसी की तरह जो क्वेश्चन नंबर 19 अभी हम जो करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है। तो इसलिए जो बाकी डेटा था वो मैंने मिटा दिया, तो इन दोनों क्वेश्चन का ये और ये सेम डेटा था, तो इसलिए मैंने ये नहीं मिटाया। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हाइट है 120 से 125 तक, जी 120 से 125 तक, फिर 125 से 130 तक है, फिर 130 से 135, 135 से 140, 140 से 145 और 145 से 150, 150 से 155। जी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी में 2, 5, 7, 9, 12, 2, 5, 7, 9, 12, 15 and 28, 2, 5, 7, 9, 12, 2, 5, 7, 9, 12, 15 और 28। जी, अब हम क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। जी, इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स। देखें ये एफ एक्स है, तो सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड करेंगे, लेकिन एफ एक्स के लिए हमें एक्स का मिलना जरूरी है, तो एक्स यहां पे नहीं है, तो एक्स हम यहां पे फाइंड करेंगे। एक्स फाइंड करने का तरीकेकार मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या तरीकेकार है, 120 प्लस 125 ये आ गया 245 डिवाइड बाई 2, तो 122.5 आएगा। उसके बाद 125 प्लस 130 255 हो गया डिवाइड बाई 2, 127.5 जी। उसके बाद 130 प्लस 135 डिवाइड बाई 2, 132.5 जी। उसके बाद 135 प्लस 140 डिवाइड बाई 2, 137.5, 140 को प्लस करें 145 से, 140 प्लस 145 ये 285 हो गया डिवाइड बाई 2, 142.5 आएगा जी। उसके बाद 145 को प्लस करें 150 से, 145 प्लस 150 295 हो गया डिवाइड बाई 2, 147.5 हो गया जी। उसके बाद 150 प्लस 155 ये 305 हो गया डिवाइड बाई 2, 152.5 जी, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी। अब आप देखें, हमने एफ एक्स फाइंड करना है, तो यहां पे एफ एक्स लिखें, यानी f को मल्टीप्लाई करें x से, इसको मल्टीप्लाई करना है इनसे, तो 2 मल्टीप्लाई 122.5 245 आएगा
फिर पांच को जरब दें, 127 चली पांच से, 637.5, 7 को जरब दें, 132.5 से, 927.5, 9 को जरब दें, 137.5 से, 9 जरब 137.5, 1237.5 आएगा। अब आपने 12 को जरब देनी है 142.5 से, 1710। 1710। 15 को जरब दें 147.5 से, 2212.5, 2212.5। उसके बाद 28 को जरब दें 152.5 से, 4270 आया। अब आपने इस कॉलम को प्लस करना है जी, इस कॉलम को प्लस करेंगे 245 प्लस 637.5 प्लस 927.5 प्लस 1237.5 प्लस करेंगे 1710, फिर प्लस करेंगे 2212.5 प्लस करेंगे 4270, तो ये आया 11240। 11240 जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अब आपने इस F के कॉलम को प्लस करना है, 2 और 5 7 हो गए, 7 और 7 हो गए 14, 14 जमा 9 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 28 जी, ये आता है 78। इसको एक दफा दोबारा प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 28 जी, 78 आ गया। अब आपने ये जो समीशन एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह आपने ये लिखना है 11240, 11240 डिवाइड बाई समीशन एफ, इस एफ की जगह 78 लिखेंगे। अब 11240 को डिवाइड करें 78 पे, 11240 डिवाइड बाई 78, 144.10। इसका जो जवाब है 144.10 जी। डियर स्टूडेंट, ये तो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन देखें, इसका फार्मूला समीशन एफ, ये समीशन एफ जो है, ये एफ देखें, ये 78 है, तो समीशन एफ की जगह लिखें 78 डिवाइड बाई एफ बाई एक्स। अब हम फाइंड करेंगे f बाई एक्स, यानी इस f को डिवाइड करना है इस x पे, ऊपर f आएगा नीचे x आएगा, तो 2 डिवाइड बाई 122.5, 0.0163, 0.0163
पांच को डिवाइड करें 127.5 पे, तो 0.0392. 7 को डिवाइड करें 132.5 पे, 0.0528. 0.0528 और 8 आता है। अब आपने 9 को डिवाइड करना है 137.5 पे, 0.0654 आएगा। अब 12 को डिवाइड करें 142.5 पे, 0.0842। अब आपने 15 को डिवाइड करना है 147.5 पे, 0.1016 जी। उसके बाद 28 को डिवाइड करें 152.5 पे, 0.1836 जी। अब डियर स्टूडेंट, हमने इस कॉलम को प्लस करना है 0.0163 प्लस 0.0392 प्लस 0.0528 प्लस 0.0654 प्लस 0.0842 प्लस 0.1016 प्लस 0.1836 जी, ये आ गया 0.5431 जी। इसको उठा के अब आपने इसकी जगह लिखना है 0.5431। अब आपने 78 को डिवाइड करना है 0.5431 पे, 78 डिवाइड बाई 0.5431, तो 143.619। जी डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है, ये अरिथमेटिक मीन का आंसर था और ये हार्मोनिक मीन का ये आंसर है। डियर स्टूडेंट, अल्लाह ताला के फजल करम से आज हमारी जो मैथ स्टेट की जो बुक है वो मुकम्मल कंप्लीट हो गई है, उसका जो सलूशन था वो हमने मुकम्मल कर लिया है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस पूरी मैथ स्टेट का सोल्यूशन चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसका मुकम्मल सोल्यूशन आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करे, आमीन।